राम राम जी। तो दोस्तों आपने भोकाल वेब सीरीज देखी होगी, तो आज हम आए हैं प्रदीप नागर उर्फ पिंटू डेढ़ा भाई के पास में। तो उनके साथ कुछ हमारे प्लान्स हैं और कुछ हम वीडियो बनाने वाले हैं उनके साथ में, तो पूरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक और बहुत मजा आएगा। क्यों दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के बाद, मिलते हैं। कुछ नहीं मिलेगा आज। A few moments later. सब लिखने के मैंने सलमान खान के पास शेर आया तो मेरे पास धर्म भाई है। हैं? अरे कुर्सी ले ले। नमस्ते राम राम भैया, कुर्सी ले लो, कुर्सी मैं लेकर आप तो टीम में लेकर आगे क्रिकेट के जुगाड़ में है क्या बैठो भैया, कुर्सी ले लो। हाँ जी ला, तुम वहाँ उसी साथ बैठो 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 बैठ जाओ भैया। एक और है राजेश, खाना वाना खाओगे भैया? ना जी लो आप लोग। अरे पंगे कर रहे हो, पानी दिया जा रहा, पानी दे दे। ये पवन भाई है, ये नीतू पवन जी और मोहित भाई। मोहित भाई रील वगैरह बना रहे हैं और रील पे बड़ी अच्छी अच्छी रील्स हैं। रील पहले टिकटॉक बना के रहे भाई। अच्छा टिकटॉक, भाई के मिलियन व्यूज होते हैं उन पर। 8 मिलियन भाई के थे, 5 मिलियन अकाउंट भी गए, वेरीफाइड अकाउंट टिकटॉक पे। ये वैसे भी बड़े फेमस है भाई अपने इधर। भाई का क्या नाम है? मेरा अरुण अमृत है जी। अरुण अमृत, हाँ जी। तो हम तो भाई काफी टाइम से मिलना चाह रहे थे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, दिखा एक बार भाई को, वो दिखा ये भाई। और वैसे बॉडी बिल्डिंग में भी भाई का बड़ा अच्छा है। बहुत बढ़िया भैया। हाँ जी भाई। और एक वीडियो तो बहुत ज्यादा वायरल है ये। हाँ जी भाई, भाई हमारी सारी सोशल मैसेज ऐसे इस तरह की वीडियो रहती है। हाँ, हाँ जी भाई। अच्छा, तो गाने भी किए हैं और रियलिटी शो भी करें। रियलिटी शो भी किए हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया है भाई। गाने भी करे हैं, टिकटॉक भी है, इंस्टाग्राम भी है, रील्स भी बना रहे हो। हाँ जी भाई, लंबी करिए कोई ना फिल्म अभी भाई। मैं इसीलिए मिलाना है, अगर वेब सीरीज का जो बता रहे हो ना आप, रिक्वायरमेंट है तो उसमें फिर आप मुलाकात कर लेंगे उनका। क्या क्या रिक्वायरमेंट है भैया? मतलब आपकी कोई वेब सीरीज आ रही है? नहीं तो उसमें बता रहे भाई, कोई रोल का कुछ है? क्योंकि आपकी हमने मूवी वो देखी थी लास्ट वेब सीरीज भोकाल, तो काफी अच्छी। मैं कह रहा हूँ ये पूरी NCR लॉन्च ना कर दे बम्बई ले चले ट्रक में भर के। हैं? नहीं NCR में तो भाई देख, हाँ फेमस की बात होती है। अब इन्हें देखो NCR में बताओ और कितने मिलियन व्यूज बता दो किसके ना। बढ़िया बात, थिएटर करा भैया आपने? भाई थिएटर तो ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम गाड़ी लेने चले गए शोरूम में, अब खाली शोरूम में गाड़ी है ना खरीदो का? अगर गाड़ी लेने गए भाई थोड़ी सी करेंगे प्रैक्टिस एक्टिंग, ऐसा ना कि स्कूल से एक्टिंग पास आउट हो ना, ऐसा तो नहीं। कहीं अलग से थिएटर करा हो भाई, डायलॉग बुलवा लो कोई बोल दे। ऐसे एक्टिंग भाई जबरदस्त करनी। अच्छा जी, टॉप की एक्टिंग, मतलब थोड़ी सी गाइडेंस होगी तो कर लेंगे। कोई एडजस्ट कैसे करेगा बताइए इनको, ऑडियंस करो करो तुम बताओ। बता भैया ना, तू कर पहले, तू तुझे तो लॉन्च होना है। मुझे तो होना, मैं थोड़ा लेट होऊंगा, मेरे भाई हो जा पहले। तू लेट क्यों, तू पहले कर, पहले लगे हुए भाई। ना जी लगे। हां जी, बस कोई डायलॉग वगैरह दे दो भाई। अरे फिर भैया अपना, मैं कह रहा हूँ जैसे राजेश जी बता रहे हैं तो कर रहे हैं बहुत दिन से काम भैया। हाँ, साथ ये भी कर रहे हैं। हाँ जी, बड़ा काम करा है, मुझसे ज़्यादा काम करा है जी। लेकिन मुझसे ज़्यादा थिएटर करा है, मैंने भी थिएटर करा है। पर मुझे दिक्कत ही रियलिटी शो से ये है कि वो कम से कम 1 करोड़ आदमी का करियर बेकार करते हैं भैया। जब से भोकाल आई है मुझे ऐसा लगा कोई 1000 आदमी आ चुके हैं, तो किसकी से कैसे कैसे लॉन्च करूँ? काम करने का मौका भैया मिल जाता, लेकिन 14 साल कौन देगा? आजकल क्या है, यूरिया की पैदाइश है भैया, तुरंत चाहिए। धर्म भाई अगर भैया बॉडी बनाने से हीरो बनते तो ये बैठा मेरे सामने शेरा, सबसे पहले मैं यही शाहरुख खान बना के लॉन्च कर देता। अगर ये अरे भैया, अगर मैं कह रहा हूँ मैं भी 20-30 हज़ार रुपये खर्च कर लेता प्रोटीन का डब्बा ला के बना लेता बॉडी, अगर बॉडी से बनना है। मेरी समझ में एक चीज नहीं आ रही राजेश भाई, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, आपने काम करा सब कुछ करा, आप किस प्रेशर में आते हो पता नहीं, लेकिन लोगों का करियर क्यों बर्बाद कर रहे हो? लोगों को होप दे के जब काम नहीं करा इन्होंने, सिर्फ जिम करिए तो भाई फिर मतलब कहीं गार्ड वाड़ी तो लग सको भैया। गजब बेइज्जती है। देखो तुम एक बार चांस। हाँ। देखो तो कुछ भैया बता दे, चल मैंने आपकी बात मान ली। हाँ जी,
भैया आप तो बात कर रहे हो कि मैं तो वहाँ मैं तो समरसीवर खोदता हूँ, पूरी जिंदगी खोदा समरसीवर, और ये तुम्हें बॉलीवुड में ब्रेक। अरे आप जिम कर रहे हो तो बॉडी बिल्डर बनोगे तुम, बढ़ गए। नहीं नहीं मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। अब भाई लाइन मारना चाहते, थोड़ा शरीर भी फिट चाहिए, एक्टिंग भी भाई फिट चाहिए, हल्क थोड़ी चाहिए। प्रदीप भाई हमारी जो ना, एक तो हम सोशल मीडिया पे फुल एक्टिव है, ठीक है जी, ये बेनिफिट है। फिर दूसरा ये कि हम फिजिक हमारी वो बेस्ट है, लुक वाइज भी ओके ओके ठीक है, और बाकी एक्टिंग का है थोड़ा सा, आप सिखाओगे थोड़ा, आप बूस्ट करोगे तो हम एक्टिंग में भी कर लेंगे, और एक्टिंग करते भी हैं, वीडियो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, पसंद कर रहे हैं, फॉलोवर इतने। कुछ खाने को दे भैया, रुके पहले एक बात तो, पहले आए बात तो रख लेंगे भाई, एक आदमी बात कुछ बात हो जब भैया आप अगर मेरी बात समझ पाओ, जैसे आप अमृत भाई भैया राजेश भाई अगर लाए, इतना इतना इनका आदर सम्मान है, मेरे जीवन में इनकी बड़ी मदद है, तो अगर ये लेके आए, लेकिन भैया जिस काम के लिए तुम बने वही काम तो दे सकूँ। अब तुमने बॉडी बनाई भैया, बॉडी में आ जाओ, गैल आ जाओ, मेरी गैल चलो, जहाँ हो सके तुम मेरे समाज के लोग हो, मेरी रक्षा करोगे तो वैसे हो जाएगा मामला। अब लेकिन ये थोड़ी भैया कि तुमने एक स्लो मोशन में वॉक करी जिम से लेकर दीवार, अनुक भैया मैं तो बन गया शाहरुख खान। भैया का क्या नाम बताया? अभी जेटी साहब, कैसे पॉसिबल है कि तुमने वॉक बनाई? बन गई पिक्चर, बोल के डायलॉग भाई, डायलॉग की वीडियो भी हमारी, वीडियो छोड़ो बोल के दिखाओ डायलॉग क्या, बताओ आप बोलो डायलॉग, मैं बोल दूंगा। नहीं डायलॉग तो आपको पता होगा ना अपना भाई, तो उस पर लिपसिंग करा है ना वीडियो पे, अब वो डायलॉग मैं बोलो डायलॉग मैं बोल दूंगा, गुस्से वाला हो जाए सब, ऐसा भी कोई छुपी, चलो बोल दो भाई, भोकाल का दे दो, भोकाल का कोई याद हो वो बोल दो भाई, आप बताओ डायलॉग मैं बोल दूंगा। अब तुमने देखी है? देखी तो भाई, अब तुम्हें डायलॉग भी याद नहीं, बताओ पूरा क्षेत्र बोल रहा है उसके बाद भी याद नहीं तो कैसे, एक कोई तो याद होगा सौ डायलॉगों में से कोई बोल भैया। कौन सा डायलॉग है? मुजफ्फरनगर में डरो, डर गया भैया, सही भाई डर गया, लेकिन प्रोड्यूसर डर गया क्योंकि बाबा का 20 करोड़ डूब जाएगा जिसमें तो लेके करूंगा पिक्चर है, ले तो सांस फूल की पीना पड़े डर गया मुझे। कहा क्या नाम बताया? पवन चेची, पवन चेची, चेची। हाँ भैया, हाँ जी, आप पे भी है कुछ? भाई का तो मैंने दिखाया ना बहुत अच्छे तरीके से, दोनों के मतलब बराबर हुआ है। राजेश 2 मिनट रुक जा, देख एक्टिंग तू नहीं करेगा, ये करेंगे भाई, भाई करेंगे, ऐसे कर लो, कास्ट कर लो तो एक्टिंग तुम कर लो, हम करेंगे एक्टिंग भाई, बताओ कहाँ डायलॉग है भैया, है डायलॉग कोई कैसे बता, अपना कोई डायलॉग बता दो भाई, अभी दो खटों का तरीका बता दो, बोल के बता देंगे भाई, वो पिक्चर देखी है 3 बार देखी है, तुम बता रहे हो तुम्हें डायलॉग की एक लाइन याद नहीं हुआ, मैं पूरे क्षेत्र में चल रहा है डायलॉग, बता सुन के लिपसिंग ना, वो भी सामने सुन ले डायलॉग तो बढ़िया लगेगा। अच्छा वहाँ में भी लिपसिंग हो रही है, कोई तो याद होगा पहलवान वाला, दो हाथ की जुबान हो रही है, एक एसपी मार दूंगा पूरा क्षेत्र पीछे लग जाएगा, एसपी मार दे पूरी चपट जाएगी, मार लेगी तू ऐसे, लेकिन ये तीन लाइन देखो कितनी तगड़ी कर रहा हो, देख मेरा भाई शरीर थोड़ा, आवाज के बाद आएगा नाम आएगा लिस्ट में अभी पक्का दादा का, या डायलॉग है एक बार में बोल भैया, 20 एक तीन लाइन है 20 बार में नहीं बोलनी, एक बार में तो बोलो, नु कह कि दो हाथ की जुबान हो रही है, एक एसएसपी मारते नहीं पूरी यूपी पुलिस पीछे पड़ जाएगी, संभाल लेगी तू ऐसे एंड में सेम टू सेम करके दिखाना, सही में तू प्रोफेशनल यू ही करेगा फिर एक्टिंग सेम टू सेम ना भाई, करेंगे ना जी, पीछे कर लेंगे कोई दिक्कत ना, अमृत भाई तो अपना टिकट विकेट खरीद लीजिए भाई, देख लो अब करनी तो खुद तो बोलना पड़ेगा, बोल ले जाओ शर्मा भैया, मेरी एक्टिंग्स को नीचे चलो भाई, कोई दिक्कत ना, पर राजेश के जाना भी है चंडीगढ़ को निकलना है, सुबह सुबह तू ले आ, तो भैया बोल जल्दी बोल, क्या क्या मामला है बोलो, डायलॉग कोई भी अपना बोल दे कोई बात, आज ही बोलना भैया अपना अपना बोल, आज ही बोलना है अभी, अरे कौन सा पहलवान मार भाई, मारूं यहां उठा के, ले चल इसे उठा के यहां से भाई, एक लाइन ही भैया कि पहलवान कौन है तू बता दे, घर में घुस के मारेंगे डैस डैस डैस, ठीक है भैया, अब तो हमें पता 4 लाइन और जोड़ दी अपनी तरफ से, ये एक अपने वैसे बता रहे हैं इम्प्रोवाइजेशन करिए, एक्टर होए के तुम्हें राजेश भैया कब तक पानी गिरेगा, ये पानी से काम चल जाएगा, जो आदमी जहाँ के लिए है वह आदमी वही लेके जा, यार मेरी एक बात बता, तू इन्हें लेके आया है अभी उस काम के लिए लेके, जो धर्म भाई मैं कसम से तुम्हारी कसम खा रहा हूँ, धर्म भाई मैं सोच रहा शायद ये मेरठ वाला जो प्रोग्राम है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, सिक्योरिटी थोड़ी कम पड़ी है, तो उस वजह से दोनों भाई बुला लिए, अरे नहीं भाई एक बार और करेंगे भाई, याद हो कर ले भैया, चलो थोड़ा ऐसा लगे समाज का आदमी है भैया, कर ले मैं बोल दूंगा कौन है तू बता दे, घर में घुस के मारूंगा डैश डैश डैश, कर ले भैया, अरे पहलवान कौन सा है, घर में घुस के मारूंगा भैया, अखाड़ा ज्वाइन करवा रेलवे या है ज्वाइन करवा दे अखाड़ा, यही तो दिक्कत है ना, लिपसिंग और अपना दोनों भैया जाके कहीं अपना बॉडी बिल्डर वाला देख लो भैया, राजेश राजेश चंडीगढ़ जाना है,
बहुत देर होगी है जब बोल देना लिपसिंग तक देखो भाई। अरे लिपसिंग नहीं भैया, वहाँ एक्टिंग करने होती है। टिकटॉक वाले सारे स्टार बन जाएंगे तो पागल है जो 14-14 साल से थिएटर कर रहे हैं। हमें हो गई 14 साल भाई, बर्दाश्त नहीं हो रही है। तू बोल ले तू पावे भाई, मैं बोल लूंगा बताओ बता। अरे तेरे भाई रुक जाओ ना, वो बर्दाश्त नहीं होती भाई इतनी। तुम्हारा डायलॉग बोल तो कोई सुन, शरीर के हिसाब से तो बात कर, बर्दाश्त नहीं होती एक्टिंग। शरीर सुनो भाई, मैं एक्टिंग करके दिखा रहा ना, जो यश पहले लाइन कह रहा बर्दाश्त नहीं होती तो शरीर से हुए। चलो आके बात कर, बात बोल दूं। हां, दो हाथ की जुबान हो रही है, एक यूएस इस पे मारते पूरी यूपी पुलिस पीछे पड़ जाएगी, संभाल लेगी तू। हां बैठ जा, बैठ जा। अब तो जलन हो रही भाई, तो कंफर्म के हमने सही बोल दिया बढ़िया तरीका। सांस तो ले ले, कैसे नाना पार्टी कर, एक ही सांस में बोलेंगे सारे। सांस ले ले, होगा भैया तीनों का है। अरे भाई राजेश भाई, करवाओगे भाई राजेश भाई, एक बात बता रहा हूँ मैं, मेरी बात भी सुन लो भाई, ठीक है ना? आप ले लिया आपने ऑडिशन हमारे लिए, पहलवान अगर बॉडी से ही अगर एक्टिंग आती तो मैं तो रात दिन इनके साथ रह रहा हूँ। मोना बना देते, मोह लॉन्च कर देते धर्म भाई, सच मत के आग लगे भाई, कुछ करना पहले सीख भाई। करके आए हैं तभी प्रोफाइल दे रहे हैं, हम बता रहे हैं हर चीज कर रहे हैं भैया। अगर राजेश भाई एक बात बताऊं, राजेश भाई आप कोई भी कट ले रहे हो, सीन कर रहे हो, सबके 10-10 रीटेक होते हैं, 20 रीटेक हो हैं, कोई ना हम भी ले लेंगे, कोई आपा थोड़ी आ रही है उसमें, तो ऐसा थोड़ी हमारी बिल्कुल ही बेइज्जती करती, हमारी थोड़ी बहुत है भाई, समाज में इज्जत है, हम जा रहे हैं ना, निकले अंदर बाहर जा रहे हैं हम। क्या पिक्चर कर ली तुमने, जो तुम बताओ 10 रीटेक हो रहे हो, जो नया आदमी सुन भैया, हां जी जो नया आदमी है उसके अंदर टैलेंट इतना कूट कूट के भरा होना चाहिए, इतना कूट कूट के भरा होना चाहिए कि वहां कूट के एक्टिंग नजर आनी पड़े। वहां कम से कम ये याद रखना भैया कि वहां नए आदमी के लिए 10 कट नहीं लगते, वो शाहरुख खान का बेटा होगा या फलाने का बेटा होगा। प्रदीप भाई पता है क्या, प्रदीप भाई नए आदमी को पहली बार में प्रतिभा दिखानी पड़ती है। प्रदीप भाई हम इस वजह से आए क्योंकि आप हमारे बड़े भाई, हमारे समाज से थोड़ी बहुत हम गलती करेंगे तो आप सुधार करोगे और आप हमें मार्गदर्शन करोगे। पवन भाई झूठ दो, झूठ नहीं बोला जाएगा पवन, यू बात हकीकत है भाई, समाज में कोई भी ऊपर चला जाए नीचे का आदमी ना ले गो, जो यो हकीकत और आज पता चल गई। चलो भाई चलो चलो आज होगा ना उल्टा, कहा भाई उल्टा कहा होगा, आके हमारी बेइज्जती कर दी। हमने राजेश भाई के साथ पहले ही मिलके तुम्हारे साथ प्रैंक प्लान कर दिया है। देखो दोस्तों जो भी होगा ना आज उल्टा होगा, क्योंकि ये हमेशा दूसरों के साथ में प्रैंक करते हैं, लेकिन आज इनके साथ में खुद प्रैंक होने वाला है। मैंने प्रदीप भाई को पहले ही कॉल करके बता दिया है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो भाई को भी बड़ा सताया है। और मैंने भाई से बात कर ली कि हर वीडियो में भाई पहले वन से बहुत पिटवाया हूँ मैं इनने, आज मैंने भाई से बात करके उल्टा प्रैंक करवा। प्रदीप भाई ऐसी क्लास लेने वाले हैं ना इनकी, उनको पूरा समझा दिया है भाई ने, राजेश भाई ने। सुनो राजेश भाई लास्ट वाला ज्यादा बढ़िया था तेरा यार, के लास्ट वाला ज्यादा बढ़िया था तेरा। अरे मैं मुझे राजेश ने बता दी, राजेश मुझे राजेश ने बता दी थी कि भैया ये वीडियो भेजी रात भेज के भैया इनकी गैल उगानी है या प्रैंक करना चाह रहे थे। भाई बिल्कुल भी इज्जत वाला बहुत बढ़िया था कि भाई हमारी कुछ इज्जत है भाई, हमें ये नहीं लगा कि आप पता ना यार, हम तो ये सोच रहे पता ना क्या होगा भाई, एकदम से ये बड़ाई कर रहे और यहाँ पे हमारी क्लास लगा दी उन्होंने, उल्टा बताना चाहिए। आप सब लोग बहुत मेहनती हो, बहुत जेन्युइन हो, मेरा खुद का मन था जब राजेश भाई ने एक पवन को देखने लायक मेरी भी तो इज्जत है, मेरी भी तो कुछ इज्जत है, ऐसा मत करो। पता मैं क्या सोचा, मन की अब ज्यादा बिगड़ गई बात, मन की पवन जा रहा हूँ बहुत प्रैंक किए, लेकिन सब पे भारी रहे आज उल्टा होकर। लेकिन प्रदीप भाई ने जो बात मारी है ना, जो मैं कह रहा हूँ भैया तुम इतने प्रैंक कर रहे हो तो तुमसे मैं 14 साल पहले से लग रहा हूँ भैया, मैं भी तो कुछ सोच के बैठा हूँ, आ जाओ बैठ के बात। लेकिन एक्टिंग का सही तोड़ना, सही मायने में बात बताऊँ तो जब राजेश भाई ने मुझे बताया रात, आपका मैंने चैनल देखा उस पर बहुत खूबसूरत, आप दोनों भाई जितनी टीम के साथ काम करते हो बहुत अच्छा, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो आप, आपका डायरेक्टर सारे लोग, और दिल से दुआ है आप ऐसे काम, मेरे खुद का मन था आपके साथ काम करने का, और बहुत नेचुरल बहुत अच्छा काम कर रहे हो,
ऊपर वाला तुम्हें मुझसे भी लाख गुना आगे लेके जाए। आप बड़े हो लेकिन दिल दिल खुश हो गया। अब एक बात बताओ, अब रोल वॉल की है कुछ? अब वो बता दो। अब कहीं तो बहुत मजा आया यार। एक बार कैमरा भैया बहुत बहुत शुक्रिया इन लोगों ने। अमृत आजा, राजेश भाई आजा भाई। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजेश भाई यार हमारी भी तो इज्जत खड़ा हो ले। सुन तो, सुन एक बात, इसका जो वर्ड है ना, हाँ। यूं कह रहा कि भाई अपने आदमी आगे बढ़न ना दे। भाई इतनी बुरी तरह स्टार दी आपने। सही बात बता रहा हूँ भैया, जो आगे जीवन में जाना चाहता है उसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आदमियों की जरूरत ही नहीं है, जिसे आगे जाना होगा वो जाएगा। दूसरी बात भैया, मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान एक दिन में कामयाब नहीं होता, एक दिन जरूर होता है। ये दो भाई देख रहे हो आज बुरी तरह बहुत बेहतरीन तरीके से बॉम्बे तक दोनों भाइयों का नाम है। ये पूरी टीम का राजेश भाई तो बड़े भाई हैं, तो बड़े भाई और धर्म भाई जिन्होंने मुझे पिंटू डेढ़ा पहनवाने के लिए तैयार करा, आज इन्होंने भी पहली बार एक्टिंग की है, मजेदार एक्टिंग करी है। ये भैया अगर बॉडी सू एक्टर बनते तो मैं ही बन जाता। तो बहुत जबरदस्त पवन भाई, अमृत भाई और ये सारे भाइयों, राजेश भाई का तो सारा ही प्लान था। तो इस बार भैया ये प्रैंक करते हुए पकड़े गए, हमने उल्टा प्रैंक किया। तो अगली पिक्चर में वीजा भाई लेके आऊंगा तो इन दोनों भाइयों को मौका दूंगा कि प्रैंक करें। और सच में दिल से दुआ है कि क्षेत्र का हर आदमी, दुनिया का हर आदमी जो मेहनत कर रहा है वो आगे जाए। मेरा दिल से धन्यवाद इन सारी टीम का आने के लिए, और बहुत बहुत दिल खुश कर दिया यार, मजा आ गया। हम तो अपने भाई ने, हाँ मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया। और अब मैं एक चीज क्रिएटिव का क्लियर कर देता हूँ, इनके साथ में आज वॉक जरूर करूंगा, वॉक देखता था। अब आप माइक संभाले भैया, डायलॉग ना मैं यू कह रहा हूँ भाई, जैसे भाई हैं नितिन भाई हैं, मोहित भाई हैं, पवन भाई हैं, सारे लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और जो मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ते हैं। आज भाई छोटे से स्तर से शुरू किया था, शायद एक लोग फॉलो करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, और आज मिलियंस में वीडियो पहुंचते हैं, तो इनकी मेहनत का नतीजा है। तो कभी भी मेहनत करने से नहीं चूकना चाहिए, इंसान को मेहनत करते रहनी चाहिए, कामयाबी जरूर मिलती है भाई, लगे और कामयाबी मिल रही है बिल्कुल। और प्रदीप भाई से हमारी पहली मुलाकात है, तो भाई साहब एकदम डाउन टू अर्थ है, एकदम से मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही सपोर्टिव, बहुत सपोर्टिव है। और इन्होंने पता नहीं आज हमारे साथ उल्टा कर दिया, आज पसीना आ गया, आज खत्म ही कर दिया। आज राजेश भाई को बहुत पहले से जानते हैं, कम से कम 10-15 साल से, ये तो मैं तो 1% भी नहीं लगा कि ये हमारे साथ ऐसा कर देंगे। बताओ छुपे रुस्तम निकले, भाई जो गंगा आज आंखें खुल गई हमारी ना, सही में आज पता चला भाई की जिसके साथ प्रैंक होता है ना कितनी बुरी हालत होती है। आज सीरियसली आज रियलाइज हो गया। अंत में भैया दिल से इन सारी टीम का, सब लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, जिसने भोकाल को इतना प्यार दिया है, उन सब का हाथ जोड़ के दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। टीम जैनो 27, लाइक करें, टीम जैनो 27। भैया जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो ज्यादा से शेयर करे, लाइक करे, सब्सक्राइब करे। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, राम राम जी।